एक सेट वीडियो का 28 इंच का, जिसका मॉडल नंबर ये रहा, और इसमें है पैन का प्रॉब्लम। और जब सेट को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का पिक्चर बनता है, पिक्चर नहीं बनता, बाकी ये ग्राफिक्स बनता है ब्लू कलर का। इसमें कोने में ब्लैकनेस रहती है और नीचे बीच में ब्लू, और जो लाइनिंग है ये कॉफ का लाइनिंग है, ये तो रहेगा, इसका तो सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन बाकी सेट चल जाएगा। कस्टमर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने देंगे, बाकी का सेट कोशिश करेंगे ओके हो जाए। धीरे धीरे करके पूरा ब्लू हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा वर्क किया है जो हमारी समझ में आया, वो है इसमें साइड कॉफ में सील मिसिंग का काफ़ी चांस है। जैसा यहाँ पर कॉफ का नंबर मेंशन है 86856FCY50, ये इसका कॉफ का नंबर है, और इसमें जो सील दिए हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। इसको मीटर में मिनिमम वोल्टेज में लगा ले 2 वोल्ट में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा मिसिंग है। बाकी लगभग सप्लाई मुझे मिल रही है सभी, सिग्नल का डाउट है तो सिग्नल पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ, टच करने से हल्का फुल्का पिक्चर बन रहा है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा सिग्नल मिसिंग है। जैसे मैं सिग्नल पर टच करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी पिक्चर नहीं बन रहा, और ओ ई पर जब मैं टच करता हूँ, ये देखिए ओ ई पर टच करने से कुछ ना कुछ आ जा रहा है। देखिए जब मैं इसको ओ ई को टच कर रहा हूँ तो इस तरह से पिक्चर बन रहा है, तो इससे कुछ अनुमान लग जाता है कि इसमें ओ ई का सिग्नल मुझे मिसिंग लग रहा है। तो मैं देखता हूँ शायद ओ ई का ही है या कोई और सिग्नल मिसिंग है, थोड़ा सफ़र करके आगे की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए इस पर पहले जो बाईपास किया गया था वो था वी जी एस सप्लाई, और उसके बाद हमने दो सिग्नल और बाईपास करना पड़ा। जैसे ही टच कर ओ ई को टच करने से पिक्चर बना था, हमने ओ ई को यहाँ पर सबसे पहले बाईपास किया, लेकिन उसके बाद कफ बिल्कुल हीट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यदि कोई सिग्नल और मिसिंग है तो वो हीट होगा। 3.3 वोल्ट नहीं जा रहा तब भी कफ हीट होगा बहुत ज़्यादा, और यदि कुछ टाइम वेट किया जाएगा जैसे 3-4 मिनट 5 मिनट, तो वो कफ का आईसी है जो वो बर्न हो जाएगा, मतलब कफ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि उस जो हमने सिग्नल दिया है उसको ध्यान रखना है कि यदि उसको देने से हीट हो रहा है तो आपको अदर सिग्नल पहले दे देना है, उसको बाद में देना है। ओ ई देने के बाद सिग्नल में कॉप में हीटिंग हो गया, अब ग्राफिक्स चेंज हुआ, ब्लू बैक बना और लेकिन पिक्चर नहीं बन पाया, ये रहा ओ ई। जो सेकंड सिग्नल हमने दिया वो है एस टी वी सिग्नल देने के बाद कॉफ अभी हीट नहीं है, और ओ ई जो सिग्नल था वो प्रॉपर अच्छे से वो सिग्नल पहुंच गया है, क्योंकि ओ ई हीट हो रहा था क्योंकि एस टी वी जो सिग्नल वो भी मिसिंग था। तो हमने और सिग्नल भी दिया ओ ई, जैसे ओ ई है ओ ई तो देना ही था, एस टी वी दिया, सी पी वी देके देखा, एक्स ए ओ देके देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एस टी वी देने के बाद ओ ई की हीटिंग बंद हुई, ओ ई को देने से ही ये कॉफ आई सी हीट हो रहा था। अभी ओ ई बाद में दिए, पहले हमने एस टी वी दिया फिर ओ ई दिए, तो अभी कॉफ में बिल्कुल हीटिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है बिल्कुल। सेट हमारा बिल्कुल बन के रेडी है, दो बाईपास हमने और करना पड़ा, एक पहले से ही है, ये काफ़ी बाईपास हो चुका है। देखिए तीन वायर यहाँ पर, एक ये पहले रही, एक ये रही, एक ये रही, तीन बाईपास हुआ है। अभी सेट हमारा बन के रेडी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उससे पहले पैनल का नंबर दिखा देता हूँ, जिससे आपको इस तरह फॉल्ट निकालने में आपका हेल्प हो सके। एच वी ए 28 इंच का पैनल है, उसका नंबर ये रहा HV280WX2-270, ये इसका पैनल का नंबर है। और मैं आपको एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ, सेट हमारा बन के रेडी हो चुका है। जो लाइनिंग था वो रहेगा, वो कफ का लाइनिंग है, लेकिन इसको इससे कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का सेट जो है वो रेडी हो चुका है, देखिए बिल्कुल सेट अच्छे से चल रहा है। मैं इसको एक बार सिग्नल देके दिखा देता हूँ, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेटर है, कोई भी कंप्लेंट इसमें नहीं है। ये देखिए लाइनिंग को छोड़कर हल्की लाइनिंग है, वो खास इसमें खास दिख रही है, एक तो बिल्कुल भी खास महसूस नहीं हो रही, एक ही दिख रही है। और सेट की क्वालिटी जो बिल्कुल प्रॉपर ओके, देखिए वो जो हीटिंग है एक्स ए ओ सील देने से, जो हीटिंग हमको ओ ई सील देने से जो हीटिंग दिख रही थी वो कई तरह से दिख सकती है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो कॉफ आपका
बर्न हो जाएगा। ये यदि 3.3 वोल्ट अच्छे से ना पहुंचे, जिसको हम DVDD बोलते हैं, जैसे 2.58 है, 3.3 वोल्ट के आसपास से वोल्टेज होगा, यदि वो कॉप में नहीं जाएगा तो भी ओवरहीट होगा और ज़्यादा वेट करने से वो कॉप बर्न हो जाता है। इसका ध्यान रखें बाईपास करने के टाइम। और जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने है, सभी आपके साथ शेयर किया है, कुछ भी हम हाइड नहीं करते। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि इससे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।